हेलो दोस्तों, कैसे हो और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक हमारे पास क्या है, सेंट्रोसोम और सेंट्रिंग। ये टॉपिक भी आपके लिए नीट के विभाग के लिए टॉपिक है, नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे हम इसको भी। बट बस आपको प्रॉपरली मेरे साथ हर रोज एक नई वीडियो को देखते हुए आगे बढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा हर जगह पर शेयर करो, जिससे हर एक बच्चे को घर बैठे प्रॉपरली ऑनलाइन सेटअप मिल सके। अब यहाँ पर देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रोसोम सेंट्रियोल के बारे में। सबसे पहले, ये एक मात्र एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल के अंदर मिलेगा, प्लांट सेल के अंदर नहीं मिलेगा। अब आपसे बोला जाए काम क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन है इट इज हेल्प द सेल डिवीजन। किसमें काम करेगा, सेल डिवीजन में काम करेगा। अब आपसे बोला जाए सेल डिवीजन में ये स्ट्रक्चर क्यों वर्क करेगा, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए बेसिक चीजें रिक्वायरमेंट होती है न्यूक्लियस का डिवीजन, और न्यूक्लियस का विभाजन या डिवीजन करने के लिए जो चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी विच इज नोन एज अ सेंट्रियोल। मतलब सेंट्रियोल क्या करेगा, न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांट देगा, न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांटने वाला। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मेरे पास मेन क्रोमोसोम्स है ना, एक सेंट्रियोल मेरे पास यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल मेरे पास यहाँ पर है। ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर क्रोमोसोम्स को क्या कर दिया, इसने सेग्रीगेट कर दिया। ऊपर वाले क्रोमोसोम ये ले गया, नीचे वाले क्रोमोसोम ये ले गया। इससे क्या होगा, अगर न्यूक्लियस का ही डिवीजन हो गया तो मेरे पास अब सेल का भी क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कराऊंगा तो उन दोनों सेल्स के अंदर मुझको क्या चाहिए होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर विच नोन एज अ न्यूक्लियस मुझको देखने के लिए चाहिए होगा। इसका मतलब अगर मेन सेल डिवाइड जब करेगा, जब पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, इसका मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन कराने के लिए सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स बाहर निकलेंगे और वो स्पिंडल फाइबर आपके जेनेटिक मटेरियल इट मीन क्रोमोसोम का दो इक्वल भाग में डिवीजन करेंगे। अब जैसे ही वो दो इक्वल हाफ में डिवीजन हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, देन न्यूक्लियस डिवाइड होके प्रॉपरली आपका सेल डिवीजन के लिए चला जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पर इस वाले बेसिक स्ट्रक्चर जो सेंट्रियोल है उसके बारे में देखने वाले हैं, अपनी फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म करता है। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेटली टॉपिक है, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये अलग टॉपिक है। बट अगर हम बेसिक इंफॉर्मेशन रखना चाहें तो बेसिक इंफॉर्मेशन सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में दे रहता है। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिए मैंने कहा कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करने वाले इसके स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर अपीयरेंस कैसा होता है। तो यहां पर देखिए, अगर स्ट्रक्चर अपीयरेंस कैसा होता है तो हम इसको बना सकते हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर इसका अपीयरेंस होगा, जो आपको इसका स्ट्रक्चर अपीयरेंस होगा, बाहर की तरफ आपको एक कवर लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि कवर नहीं होगा, अंदर आपको तो सेंट्रियोल देखने के लिए मिल जाएंगे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको तो सेंट्रियोल देखने के लिए मिल जाएंगे विच इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। बट ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपस में 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं। इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्पेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोस्पेयर। और जो अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल हमेशा दो होते हैं, बट कैसे होते हैं, अरेंज एट 90 डिग्री या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये किससे मिलकर बने हुए, इनका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी मेरे पास क्या है, माइक्रोटिब्यूल्स। क्या है मेरे पास, माइक्रोटिब्यूल्स। अब आपसे बोला जाए कि भाई सेंट्रोसोम क्या होता है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम्स कहते हैं। इसका मतलब सेंट्रोसोम एक सेंट्रियोल, एक कवर लाइक स्ट्रक्चर है, बट सेंट्रियोल के ऊपर कवर नहीं होता।
इज अ एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. कैसा होता है? इट इज अ एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. याद रखना कैसा होता है? एमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. एमेम्ब्रेनस मतलब इसमें कोई भी कवर देखने के लिए नहीं मिलेगा. इतना क्लियर है? अगर बात की चलो मैं इस सेंट्रियोल को, अगर इस प्रकार काटू, ये सेंट्रियोल है, मैंने क्या किया, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, मैंने क्या किया, इसको इस प्रकार काटा. काटने के बाद आप इसे यहां से देख रहे हो, मतलब आपकी देखने की पोजीशन कुछ इस प्रकार है. अगर आप यहां से देखोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर का जो क्रॉस सेक्शन है वो आपको कुछ अपीरियंस जो होगा वो कुछ लाइक जैसा अपीरियंस होगा. इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. कैसा होता है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर? जिस तरीके से होता है कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर. तो याद रखते हैं सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर किस तरीके दिखाई देता है? कार्ट, कार्ट मतलब लकड़ी की काटी के पहिए के समान. कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर अपने को देखने के लिए मिलेगा. अब आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन, पहले जो नीट के अंदर आता है तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच करता किससे है, कौन सा पार्टिकल है सेंट्रियोल के अंदर जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है. दूसरा, अगर आपने मुझसे ये कहा कि भाई एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन कराने के लिए मेन चीज रिक्वायरमेंट अगर सेंट्रियोल है तो क्या प्लांट सेल में क्या है, तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है बट सेंट्रियोल जैसा समान फंक्शन करने वाला एक स्ट्रक्चर है व्हिच इज नोन एज पोलर कैप्स. क्या होते हैं? पोलर कैप्स जो क्या करते हैं, प्लांट में सेल डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. प्लांट के अंदर सेल डिवीजन का फंक्शन परफॉर्म करने वाले एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिनका नाम क्या है मेरे पास, पोलर कैप्स. इतना क्लियर है मेरे को? कोई डाउट नहीं आता है? इसका मतलब मैं बोल सकता हूं पोलर कैप इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. पोलर कैप इज अ बेसिक स्ट्रक्चर इन अ प्लांट सेल विच हेल्प इन द सेल डिवीजन. समझ नहीं आ रहा? मतलब बोल सकते समान है किसके, एनिमल सेल के सेंट्रियोल के समान है. जैसे एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था जो गॉल्गी बॉडी, जो मेरे पास गॉल्गी बॉडी है वो गॉल्गी बॉडी सिर्फ एनिमल के अंदर बोलते हैं क्योंकि प्लांट सेल के अंदर उस गॉल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लांट सेल के अंदर उस गॉल्गी बॉडी को नाम था डिक्टाइलोसोम. याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है, अगर याद आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो. यहां तक क्लियर है अपने को पॉइंट? दोनों ही सेंट्रियोल अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पर अरेंज करते हैं विच इज अ परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर. और ये सेंट्रियोल मेन काम क्या करेगा, एनिमल सेल के अंदर सेल डिवीजन का परफॉर्मेंस अपने आप दिखाने की कोशिश करेगा. अब मैंने आपसे कहा कि सेल डिवीजन करना है तो पहले आपको कैरियोकाइनेसिस करनी पड़ेगी विच इज अ न्यूक्लियर डिवीजन. और न्यूक्लियर डिवीजन करने के लिए एक धागा लाइक स्ट्रक्चर विच इज अ स्पिंडल फाइबर अटैच करेगा एक पार्टिकल से जिसको हम बोलते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम क्या है, मूसल्स. अभी मूसल्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले इससे पहले हम एक पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं. याद करो मैंने भी आपसे क्या बोला था, इट इज अ स्ट्रक्चर लाइक कार्टिल लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिल लाइक स्ट्रक्चर मेरे पास ही है. अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर पेरिफेरी पर हर बार तीन ट्रिपलेट प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं? तीन ट्रिपलेट. तो पेरिफेरी पर माइक्रोटिब्यूल्स के तीन ट्रिपलेट होंगे किस फॉर्म में, ए बी सी के फॉर्म में. बट हमेशा ए बॉन्ड बनाएगा बी सी के साथ, ए बॉन्ड बनाएगा सी के साथ. तो इसको मैंने क्या बोल दिया, ए सी लिंकर. क्या बोल दिया, ए सी लिंकर. तो याद रखना है कितने होंगे, ये स्ट्रक्चर नौ है, ये स्ट्रक्चर कितने हैं मेरे पास, नौ. तो जाहिर सी बात है ए सी लिंकर भी मेरे पास कितने होंगे, नौ होंगे. याद कर जब मैंने सीलिया और फ्लैजेला पढ़ाया था, अगर किसी को याद नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में भी जा सकते हो. सीलिया और फ्लैजेला इसके अंदर जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट क्या है, 9+2. और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स कितने हैं, 20. मतलब 9 पेरिफेरी पर होते हैं विच इन अ फॉर्म ऑफ डुप्लेट, डुप्लेट के फॉर्म में 9 पेरिफेरी पर होते हैं और दो सेंटर में होते हैं और वहां से 9 रेडियल स्पोक्स निकली हुई होती हैं जो पूरे इस स्ट्रक्चर को कवर करने का काम करती है. याद है? तो इसका मतलब सीलिया और फ्लैजेला में टोटल नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल 20. ये मैं यूकेरियोटिक की बात कर रहा हूं. प्रोकैरियोट के अंदर फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन,
ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल इन अ फ्लैजेला कितना होगा 20। अगर मैं सेंट्रियोल की बात करूं तो सेंट्रियोल मेरे पास कितना दिखाई देगा नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल, मैंने कहा एक में तीन है तो ऐसे कितने हैं 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स कितने हो गए मेरे पास 27। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ नीट के अंदर क्वेश्चन है, इतना क्लियर है अपने को, यहां तक कोई समस्या प्रॉपर आपके दिमाग में सेट हुआ ये कांसेप्ट? इसका मतलब अगर मैं ये बोलना चाहूं कि भाई माइक्रोटिब्यूल्स जो है वो मेरे किस फॉर्म में अरेंजमेंट है 9+0, इस बार मुझको सेंटर में कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता, बट आपसे अगर ये बोला जाए यार सेंटर में अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या ये पूरा स्ट्रक्चर कार्बिनल शिफ्ट कैसे होल्ड हो गया? इसका मतलब सेंटर में एक प्रोटीनेसियस हब है, सेंटर में क्या है प्रोटीनेसियस हब, यहां से 9 रेडियल स्पोक्स निकली है, 9 रेडियल स्पोक्स निकली है और ये प्रोटीनेसियस हब जो है उन 9 रेडियल स्पोक्स से इस पूरे स्ट्रक्चर को कार्बिनल लाइक स्ट्रक्चर बनाने में रिस्पॉन्सिबल करता है। समझ नहीं आ गया? तो इसका मतलब मेरे पास रेडियल स्पोक्स भी कितनी हुई 9 हुई, और अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर एक्स और वाई थिकनिंग क्या है, एक्स थिकनिंग थोड़ी डार्क थिकनिंग है मोटी दिखाई देगी, वाई थिकनिंग थोड़ी लाइट थिकनिंग है हल्की दिखाई देगी, अगर आपसे पूछा जाए कितनी होंगी तो वाई थिकनिंग और एक्स थिकनिंग भी दोनों 9-9 होंगी, बस एक थिकनिंग है एक कार्बिनल लाइक्स को सपोर्ट करती है, बस आपको इतना याद रखना है। A और C लिंकर कितने होंगे 9 होंगे और X Y लिंकर कितने होंगे 18 होंगे, क्योंकि हर एक में दो है तो 9 में कितने हो गए 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 अपने को देखने के लिए मिलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन ये आएगा अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल इन अ सेंट्रियोल व्हिच इज अ 9+0 सेंटर में नहीं है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया 0, सेंटर में 0 होता है पेरिफेरी पे 9 होते हैं, पेरिफेरी पे 9 है ये स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पेरिफेरी पे 9 स्ट्रक्चर है और हर एक 9 में 3 ट्रिपलेट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोटिब्यूल 27 हो जाते हैं। इतना आपको क्लियर है मतलब अगर मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं आपके साथ इस कंसेप्ट को सेंट्रियोल मेन काम सेल डिवीजन में करेगा, इसके बाहर एक पार्टिकल है, कहां पर है बाहर की तरफ पेरिफेरल से बाहर की तरफ, इसको मैंने क्या बोल दिया मूजल्स पार्टिकल, मेन काम क्या है इनका, यहां पर आपके अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर होते हैं, यहां पर मेरे पास क्या होता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, मतलब यहां पर कौन अटैच करता है स्पिंडल फाइबर अटैच करता है, और स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट कर यहां पर कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म करवाते हैं, क्या करवाते हैं कैरियोकाइनेसिस, तो इसका मतलब स्पिंडल फाइबर हेल्प कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस के फंक्शनिंग को करवाने के लिए, तो अपने को ये पूरा स्ट्रक्चर समझने आया है नहीं आया, अगर आया तो दोस्तों थोड़ा कमेंट में रिप्लाई करो अपने को प्रॉपरली ये स्ट्रक्चर सेट हुआ या नहीं हुआ। मेन चीज याद रखना है, बस आपका जो मेन पॉइंट है सेंट्रियोल का अगर बात किया जाए हाइयर प्लांट के अंदर लोकेशंस एब्सेंट है बाय द एनिमल सेल इज अ प्रेजेंट है, मेन काम क्या करेगा इट इज हेल्पिंग अ सेल डिवीजन के लिए रिक्वायरमेंट है, और प्लांट के अंदर सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट क्या होगा मेरे पास पोलर कैप्स होंगे। समझ नहीं आ गया? प्लांट सेल में डिवीजन के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर है व्हिच इज नोन एज अ पोलर कैप्स। समझ नहीं आया यहां तक कोई डाउट किसी को? अगर आपसे पूछा जाए फंक्शन क्या है, अगर आपसे फंक्शन पूछा जाए ओनली इन अ सेल डिवीजन करेगा बट किसके हेल्प से करेगा विद द अटैचमेंट ऑफ किससे स्पिंडल फाइबर विद द हेल्प ऑफ मूजल्स पार्टिकल क्या करते हैं उस स्पिंडल फाइबर से अटैच कर लेते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है जैसे यहां देखिए मेरे पास ये पूरा स्ट्रक्चर है एक सेल है, इस सेल के अंदर मैं एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास क्या है सेंट्रियोल है, यहां पर मेरे पास सेंट्रियोल है, अंदर की तरफ बहुत सारे क्रोमोसोम हैं और हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में 23-23 की पेयरिंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सोमेटिक सेल में 46 होते हैं, मतलब बोल सकता हूं 23 की दो पेयरिंग होती है, नंबर ऑफ दो सेट्स बनते हैं 23-23 के और मेरे पास ये क्रोमोसोम हो गए,
अब ये ऊपर वाला स्पिंडल ये सेंट्री हो गए, सेंट्री हो गए, क्या करेगा स्पिंडल फाइबर अटैच करेंगे, किससे करेंगे मूसल से, तो ये मेरे पास क्या है, इट इज अ स्पिंडल फाइबर, ये मेरे पास क्या हो गए स्पिंडल फाइबर, तो स्पिंडल फाइबर अटैच किससे कर रहे हैं, अटैच विद मूसल्स, सिमिलरली स्पिंडल फाइबर अटैच विद मूसल्स। अब ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे चला जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा, जैसे ही सेल का डिवीजन हो जाएगा मतलब अब न्यूक्लियस डिवाइड यहां से करेगा, समझ आ रहा है। अगर आपसे ये बोले, अगर आपसे ये बोले कि किसी एनिमल सेल में मुझको सेल डिवीजन देखना है कि उसकी पोजीशन डिसाइड कौन करेगा, तो सेल डिवीजन की पोजीशन डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, सेंट्रियोल। कैसे करेंगे, यहां देखिए, जैसे यहां पर देखिए मेरे पास ये एनिमल सेल है, अगर मान के चलो सेंट्रियोल की लोकेशन यहां पर है, तो मेरे पास अगर ये सेंट्रियोल की लोकेशन हो गई, इसके परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर जो पोजीशन आएगी वो क्या शो करेगा, सेल डिवीजन की पोजीशन को शो करेगा, मतलब परपेंडिकुलर आने वाली पोजीशन क्या शो कर रहा है, सेल डिवीजन की पोजीशन को शो कर रहा है। सिमिलरली अगर मान के चलो मेरे पास ये सेल है और इस बार ये दोनों सेंट्रियोल की लोकेशन है, तो सेल डिवीजन यहां से करेगा, ये सेल डिवीजन की पोजीशन, समझ नहीं आ गया, मतलब बोल सकता हूं सेंट्रियोल के जस्ट परपेंडिकुलर वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल डिवीजन की लोकेशन को शो करता है, तो सेल डिवीजन की लोकेशन शो करने के लिए सेंट्रियोल का होना सेल के अंदर रिक्वायरमेंट है, वही आप पोजीशन डिसाइड कर सकते हो, समझ नहीं आ गया, यहां तक क्लियर है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या सेंट्रियोल की पोजीशन क्या डिसाइड करती है, सेल डिवीजन की पोजीशन को डिसाइड करती है, कैसे करती है, परपेंडिकुलर फॉर्म में लाइनिंग शो करती है जो सेल डिवीजन की पोजीशन को डिफाइन करेगी, यहां तक आपको प्रॉपरली क्लियर है कंसेप्ट, ये हमने सेंट्रियोल के बारे में पूरी बात कर ली, यहां पर खत्म कर दिया है सेंट्रियोल, बाकी आपको ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, बेसिक जो पॉइंट याद कर लें वो ट्रिप्लेट कंसेप्ट है, 9 × 3 = 27 स्टेप बनते हैं, रेडियल स्पोक्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बाकी हमारे पास क्वेश्चन आएगा मूसल से आ सकता है कि मूसल्स को हम पेरिसेंट्रिकुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और स्पिंडल फाइबर कहां अटैच करते हैं, समझ नहीं आ गया, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स पर हर साल क्वेश्चन आता है, बाकी अगर आपसे पूछे सेंट्रोसोम कहां प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं होगा, एनिमल में होगा, प्लांट में एब्सेंट होगा, प्लांट में इसकी जगह पे क्या होगा, एक पोलर कैप दिखाई देगा, बताओ भाई दोस्तों यहां का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो थंब से रिप्रेजेंटेशन करो, और बाकी आपके लिए अगली क्लियर, अपने को हर एक कंसेप्ट प्रॉपरली सेट हुआ, अगर आपको ये दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और बाकी अपने दोस्तों तक जितने अगर पहुंचा सकते हो उतना ज्यादा दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं, जिससे उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो, और बाकी अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो आप मेरे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर डायल करके मुझे बता सकते हो, एज अ ग्रुप में बता सकते हो, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हो, आपके जितने भी डाउट होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, बाकी हमारा जो सेंटर है जहां हमारी स्टडी चलती है वो सेंटर हमारा आगरा शहर के अंदर है, और आगरा शहर के अंदर भी रोहता जगह एरिया पड़ता है, उस रोहता के अंदर सिल्वर सिटी के अंदर आपको ये एरिया देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आप जितना ज्यादा अपनी पढ़ाई से कंसर्नेड हैं उतना ज्यादा करिए, देखिए इस साल भी नीट का स्कोर बहुत हद तक कितना ज्यादा गया, बच्चों के स्कोर कितने हैं, तो आप अपनी पढ़ाई को बेस्ट करते रहिए और हर रोज प्रॉपरली 4 से लेकर 5 घंटे